नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस ने रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, गांव राजौर कलाक में नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भरतपुर जिले के हलेना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के इस पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं चार घायलों को RBM अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर किया गया है। खबर टोंक जिले के देवली उनियारा ब्लॉक में स्वच्छ जल न मिलने को लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बीजेपी नेता विजय सिंह बैसला ने सर्किट हाउस में बीसलपुर परियोजना अधिकारियों की बैठक ली। पेयजल समस्याओं को लेकर बूस्टर मोटर के स्थायी समाधान, टंकी निर्माण, पाइपलाइन डालने की संपूर्ण जानकारी ली और जल्द से जल्द कार्य में गति लाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विजय बैसला ने जानकारी देते हुए बताया कि देवली उनियारा में पिछले कई सालों से पेयजल समस्या बरकरार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने 15 तारीख को रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। देखो, पूरे देवली उनियारा में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी दिया जाता है और यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। तो आज भवानी जी जो जल जीवन मिशन देख रहे हैं, उनके साथ आज पूरी टीम के साथ आज मीटिंग हुई, जिसमें हमने इसका बीसलपुर टॉप उनियारा देवली का जो पानी की पेयजल का जो इशू है उसका स्टेटस अपडेट लिया। कितनी टंकियां बन गई, कितने पाइप बन गए, कौन कौन से गांव में पानी पहुंच गया, पहुंचने वाला है, कहां पर पाइप पहुंच गए हैं, कहां पर पानी नहीं पहुंच पाया, केवल पाइप पहुंचे, उनकी बात चर्चा करी। और अफसोस इस बात का है कि ये सितंबर तक होना था, लेकिन ये किसी कारण से नहीं हो पाया। तो हम लोग सब मिल करके एज अ टीम इसको मार्च तक पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक गाँव में देवली उनियारा के हर एक गाँव में मार्च 2024 तक पीने का पानी पहुँच जाए। आज जल जीवन के जो अपने BTUD में जो काम 464 गांवों का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रोग्रेस की रिव्यू के बारे में मीटिंग हुई है और जो गाँव की प्रोग्रेस की कितने एहसास निर्मित किए जा रहे हैं, कितने एहसास बन चुके हैं और कहां कहां गांव में लाइन डाली जा चुकी है, किन किन गाँवों को 100% कमीशन कर दिया गया, किन में अभी करना बाकी है, इस चीज़ पर लेके माननीय विजय बैसला जी के साथ बात पूरी डिटेल में हुई है और इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि भाई मार्च तक अपने इसका रिवाइज एक्शन प्लान बना करके मैक्सिमम गांवों को कवर करने की कोशिश करेंगे और जिसमें जो भी दिक्कत है एहसास बनाने की या गांवों में लाइन डालने की, वो सब बिल्कुल दूर करेंगे और सभी गाँवों को 100% कमीशन करेंगे। अब तक सर कितने गाँवों को चिन्हित किया गया है जो पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या स्थिति है? 464 गांव जो है हमारे इसमें लगभग 300 गांवों में हमारा काम 90% से 100% बीच में हो चुका है। बचे हुए जो गांव हैं उनमें प्रोग्रेस जारी है। ये जो फर्म को काम दिया गया था ये सितंबर तक पूरा करना था, लेकिन कई जो हर्डल्स होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, दोनों को मिला करके ये अभी 4-6 महीने और बढ़ाना पड़ेगा सब काम को, उसके बाद पूरा करा जाएगा। डिडवाना में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बैंक में ही चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला आज डिडवाना के पंजाब नेशनल बैंक से सामने आया है, जहां दो छात्र महिलाएं एक व्यक्ति को चकमा देकर उसके बैग से 2.5 लाख रुपए चोरी करके ले गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें छात्र महिलाएं चोरी करते हुए साफ नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। सरदारपुरा कला है थाना क्षेत्र में, उसका जरूरी नाम का व्यक्ति था, वो बैंक में पैसे जमा कराने आया था। PNB दोपहर को 3 बजे के आसपास उसने अपना बैग है वो रख दिया बैंक में, तो दो महिलाएं थी, तो उसमें एक महिला ने थोड़ा बहाना बनाया कि मेरे को ये स्लिप है आप भर के दे दें, तो उसका ध्यान उसमें लग गया और दूसरी महिला ने उसके बैग से पैसे निकाल लिए करीब 2.5 लाख। प्रकरण दर्ज किया गया है, महिलाओं की तलाश अब जारी है, प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। सर कितने रुपए का? 2.5 लाख।
खबर भरतपुर से है, जहां झूठे मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अबाना ने एसपी मृदुल कछवावा से मुलाकात की है। इस दौरान वर्तमान अनदबई विधायक जगत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं एसपी ने भी उनको निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। भिलवाड़ा में नगर पालिका के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर पालिका ने अपनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। बता दें, बाजुंदा रोड पर संत पॉल स्कूल के पास नगर पालिका की निजी संपत्ति है, जिस पर 6 महीने से कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने इन लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था। बावजूद इसके उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपनी जमीन खाली करा ली। ये नगर पालिका आसिंद में सेंट पॉल स्कूल के पास बाजुंदा रोड पर कॉर्नर की जो स्कूल की जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है, और इस पर करीब पिछले 5-6 महीने से पहले भी शिकायत आई थी, अतिक्रमण किया है, उस समय हटाने की कार्रवाई की गई। तब इन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा। उसके पश्चात ये सुनने में आया कि इनके द्वारा अंदर जो है धीरे धीरे जो पक्का कंस्ट्रक्शन करके कब्जे को पक्का किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज विधायक महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय, चेयरमैन साहब और नगरपालिका की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ कि इस अतिक्रमण को हटा करके जमीन, बेशकीमती जमीन को कब्जे से मुक्त कराना है। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई और मौके पर आकर के और शांतिपूर्वक रूप से कार्रवाई कर दी और अतिक्रमण हटा दिया गया, और अभी कार्रवाई जारी और जमीन को कब्जे में ले लिया गया। आमजन तक विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कैंप का आयोजन कर आमजन को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में डिग जिले में 8 ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए गए, और इस दौरान विधायक शैलेश सिंह ने डिग में आयोजित बहज पंचायत शिविर का दौरा किया और वहां पर उपस्थित सभी लाभार्थियों और आमजन ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के हितों के बारे में विशेष रूप से सोचा और उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारत की हर महिलाओं तक गैस सिलेंडर पहुंचने का अद्भुत कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का आवंटन हुआ और मैंने शौचालय बनवाया। 12,000 रुपये मैंने नकद प्राप्त किए। पहले आपको क्या समस्या होती थी? पहले जंगल में जाना पड़ता था तो उसमें दिक्कत आती थी, बहन बेटी जाने में दिक्कत आती। अब आपको क्या फायदा हो गया? अब ये हो गया कि अब हम स्वस्थ रहते हैं, घर पर करते हैं, कहीं रात को अगर कोई बात बन जाए तो बाहर नहीं जाते। खबर किशनगढ़ से है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरने करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोर माबल एरिया में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी करते थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 CCTV फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आसंद क्षेत्र के अवैध रॉयल्टी वसूली के चलते बजरी सप्लायर में आक्रोश है। सभी बजरी सप्लायर आसंद थाना मुख्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस उपाध्यक्ष योगेश शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक प्रत्याशी मनसुख सिंह गुजर ने बताया कि आसंद क्षेत्र में मेसर्स अभिषेक चौधरी द्वारा अवैध बजरी की रॉयल्टी वसूल की जा रही है, जिससे बजरी सप्लायर को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्ञापन में बताया कि उक्त मैसर्स की टीपी पॉइंट खनन क्षेत्र शंभुगढ़ में स्थित है, लेकिन उसकी बजाय दांतरा क्षेत्र के सप्लायर से अवैध रॉयल्टी वसूल कर रही है। MCR एक्ट 2017 में के तहत मिनरल की पॉलिसी बनी हुई है और उस पॉलिसी के तहत आसिंद की और आसपास की जो नदियां हैं उसकी एक लीज पार्टी है अभिषेक चौधरी, उसको 5 साल की लीज आवंटित राज्य सरकार ने खनन विभाग ने की है। अभिषेक चौधरी द्वारा नदी से रेती का दोहन किया गया, उसने 2-3 पॉइंट बना दिए। आसिंद शहर के और आसिंद के आसपास कोई उसका टीपी पॉइंट नहीं है, उसने एक टीपी पॉइंट बनाया शंभुगढ़ में जी। अभी लोग क्या है, हमारा ये बहुत बड़ा बांध है, खारी बांध, खारी बांध से डेली 100 ट्रैक्टर डंपर निकलते हैं जी, उनकी भी वो रॉयल्टी अवैध टीपी पास बना के दे रहा है जी।
कोई यदि उसको नहीं देता है तो मारा कूटी कर रहा है, मारपीट कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के गैंगस्टर यहाँ बुला रखे, पिस्टल लेके घूम रहे हैं, हवाई फायर करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो लोगों में एक दहशत का माहौल है। खबर जैसलमेर के रामगढ़ से है, जहां सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवान ने अपने सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मार ली है। वही मौके पर पहुंचे बीएसएफ के अधिकारी घायल जवान को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। '92 बीएसएफ के जवान मोहिन मौला ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से फायर करके आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मौके पर गया, मौके की कार्रवाई की गई। जवान की बॉडी रामगढ़ अस्पताल में है, जांच जारी है। अभी तक मृत्यु का कोई ऐसा ज्ञात नहीं हुआ है कि किस कारण, जांच के बाद में पता चलेगा। खबर राजस्थान के राजसमंद से है, जहां घर में चार लोगों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी मौके से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और फोन लेकर फरार हो गए, जिसके बाद लूट की इस घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने टीम गठित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 बाइक और 1 बुलेट बाइक जब्त की है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने मोबाइल और 2200 रुपए भी बरामद किए हैं। हाल ही में माना रेल में हुई लूट में 3 मुजरिम हमने पकड़े हैं, जिनको 2 को पहले जैसी कर दिया। जिनकी पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके साथ मिठू सिंह नाम का भी एक व्यक्ति था जिसने लूट में शामिल था। इसकी तलाश की, उसे पकड़ा, उससे पता चला कि महंगे शौक पूरा करने के लिए वो लोग सूरत से बाइक चोरी करके लाते और यहाँ पर सस्ते दामों में बेच देते और उस पैसों का वो दारू शराब और इनमें खर्च करते। तो उसके आधार पर हमने उनकी धरपकड़ की और जहाँ जहाँ पर बाइकें थी हमने 4 बाइकों को पकड़ा है अभी तक, और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। सर, ये 4 बाइक कितने तक की है? ये कम से कम एक एक बाइक 2-2 लाख की है, 3 तो R15 है और 1 बुलेट है, तो लगभग इनकी कॉस्ट समथिंग 8 लाख की होती है। ठीक है। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा भरतपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसके बाद गिरिराज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनके कार्यक्रम की जानकारी दी। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां देर रात कुछ लोग जवाहर हॉस्पिटल के पालना गृह में मासूम नवजात को छोड़कर भाग गए। नवजात मासूम लड़का बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही जवाहर चिकित्सालय में शिशु विभाग के नर्सिंग स्टाफ नवजात की देखरेख में जुट गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा एकदम स्वस्थ है। वंदे मातरम संस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीनोथोन थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मैराथन का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण और उत्तम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में NTPC के स्वतंत्र निदेशक विवेक गुप्ता, वंदे मातरम संस्थान के महामंत्री पार्षद पूनम शर्मा, ISF अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में कटफला टोल टैक्स के पास NH52 पर SUV कार और ऑल्टो कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में SUV चालक और ऑल्टो कार में सवार 5 व्यक्ति सहित कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें ऑटो कार में सवार 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। थाना प्रभारी लक्ष्मी चंद्र ने बताया कि SUV चालक नशे में था और जिस कारण तेज रफ्तार SUV कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ऑटो कार से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों के पर्चा बनाकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।